तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में आर एन अरोड़ा व्लॉगर। आज हमने आपको प्रॉमिस किया था हम आपको माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कराया जाए सब कुछ पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबको अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप इसके लिए जाइए गूगल में और टाइप कीजिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और उसके बाद आप सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है maavaishnodevi.org। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ले जाएगा और एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप क्या कहता है, एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको ई यात्रा स्लिप जनरेट करके आना है, प्लस आपको RT-PCR कोविड का टेस्ट करवा के आना है जो कि नेगेटिव होना चाहिए 72 आवर्स पहले तक आने के, और अगर आप नहीं भी करवा सकते हैं तो आप यहाँ पे कटरा रेलवे स्टेशन में आके भी करवा सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और यात्रा पर्ची भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों। तो आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग, ऑनलाइन बैटरी कार की बुकिंग सब कुछ करवा सकते हैं। तो आज हम आपको पूरा वो प्रोसेस बताएंगे, तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ क्या है इस ऑफिशियल वेबसाइट में। सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग्स आ रही हैं उसके अंदर क्या क्या सारी फैसिलिटीज़ हैं आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ आप आराम से पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, और इसमें सारी आपको गैलरी क्या क्या अभी तक हुआ और कैसे कैसे ये वेबसाइट डेवलप हुई और सब कुछ चीज़ें आपको इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली आसानी से मिलेंगी। जो आपके लेफ्ट साइड में पैनल है, ये लेफ़्ट साइड में जो पैनल है ये भी आपको क्लियरली बता रहा है कि क्या क्या आप यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, यात्रा पर्ची करा सकते हैं, बैटरी कार की बुकिंग करा सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज जो यहाँ लिस्टेड हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक सर्विस पे क्लिक किया जो कि यात्रा के स्टैटिक्स मुझे दिखा रहा है कि 9 अगस्त को अभी इसी मंथ में कितने यात्रीगण आए हैं जो कि 19,000 के करीब हैं, और अभी तक पूरे साल भर का डेटा अगर देखा जाए तो कितने कितने यात्रीगण यहाँ पे आए हैं, ये डेटा लैक्स में है। तो सबसे ज़्यादा जो आए हैं यात्रीगण वो अगर आप देखें तो साल 2012 में 104 लाख यात्रीगण माता के दर्शन आए हैं, माता का बुलावा उनको आया है और उन्होंने यहाँ आके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए भी यही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण करें और आप लोग भी जल्दी जल्दी दर्शन के लिए आएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक की जाती है, उसके लिए ये स्टेप्स हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, अगर नहीं तो नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे करना है। यात्रा पर्ची पे क्लिक करके यात्री की डिटेल डालनी है और यात्रा पर्ची जनरेट करके प्रिंट आउट अपने पास रखना है, प्रिंट आउट ज़रूर रखिएगा, ईजिली आप फिजिकली आप किसी को भी शो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कैसे बुकिंग की जाए। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यात्रा पर्ची, तो उस पर क्लिक करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स खुल जाएगा जो आपको बता रहा है कि आपको आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड जो कि आधार कार्ड बिल्कुल सही रहेगा ये ज़रूर कैरी करके चलना है, तो वहाँ पे अगर कोई भी चेकिंग होती है तो आधार कार्ड बिल्कुल सही रहता है उस चीज़ के लिए। प्लस आपको एक नीचे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 5 नंबर से ज़्यादा एक आईडी के अंदर और एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अंदर आप बुक नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको 5 से ज़्यादा बुकिंग करनी है तो आपको एक न्यू आईडी जनरेट करना हो। तो दोस्तों इसके बाद आप एक इन्फॉर्मेशन और आपको बताना चाहूँगा कि एक बार अगर आप टिकट बुक कर चुके हैं तो वो कैंसिल नहीं हो सकती है, तो इसलिए ज़रा आप ध्यान से ही कीजिएगा। बाकी हेलीकॉप्टर की भी टिकट कैंसिल नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी लागू होगी उसकी। तो इसके बाद आप देखिए कि जो ये वेबसाइट है ये आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही है, कोई इसका आपको फ़ायदा ना उठाए कमर्शियल यूज़ के लिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप
ध्यान रखिए, इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही कीजिएगा जो भी बुकिंग आपको करनी है, और ऐसे ही ढोंगी और फॉल्स वेबसाइट के चक्करों में मत पड़िएगा। तो आपका आपका बेनिफिट के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और हेलीकॉप्टर की जो अगर टिकट बुक कराना चाहेंगे तो उसके जो चार्जेस हैं वो 1830 रुपये, 1830 रुपीज़ INR पर साइट के हैं। जी दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। तो अगर जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से हैं तो आप एंटर कीजिए और सीधा लॉगिन कीजिए और बुक कर सकते हैं आप अपनी यात्रा पर्ची। और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यू यूज़र साइनअप, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी होंगी। जैसे कि आपको एक नया यूज़र नेम जो कि पहले किसी ने भी नहीं रखा हो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र नेम रजिस्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम RN अरोड़ा व्लॉगर के नाम से अगर यूज़र नेम रखना चाहूँ तो सिस्टम मुझे चेक करके उसी वक्त बता देगा कि ये यूनिक है और ये पहले किसी ने यूज़ नहीं किया हुआ तो ये अवेलेबल है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही जब मैं ये इन्फॉर्मेशन भरी और सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैंने मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है। पर अगर आपको ज़्यादा ये बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या फील किया है, कल को आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो ये काम आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो मैंने थोड़ा सा इजी रखा, व्हाट्स योर पेट नेम, सो टॉमी, सो दैट इज़ इजी। सो अब इसके बाद आपको फर्स्ट नेम में मैंने अपना RN अरोड़ा फिल किया और लास्ट नेम में मैं व्लॉगर फिल कर दूंगा। तो ऐसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा और अपनी बारी बारी से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा। इसके बाद जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो कल को आपको ही दिक्कत होगी। और ये आपकी जो फ़ोटो आईडी जो आप लेके जाएंगे उसके साथ ये मैच होना चाहिए, अगर ये मैच नहीं हुआ कल को तो ये आपको यात्रा में कहीं कोई परेशानी ना करे। तो इसलिए दोस्तों शुरू से ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल सही वैलिड इन्फॉर्मेशन ही फिल कीजिए। और इसके बाद ऑक्यूपेशन में आप जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आप भर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं है। ईमेल आईडी मेरे ही चैनल की जो ईमेल आईडी है rnaroravlogger@gmail.com, सो मैं वो फिल कर दूँगा। और उसके बाद अपना कोई भी मोबाइल नंबर एक्टिव हो जो वो मैं फिल कर दूंगा। याद रखिए दोस्तों, ये मोबाइल नंबर वो नहीं होना चाहिए जो आपका वहाँ पे कटरा में चले, ज़रूरी नहीं है, ये जो आपका अभी आपकी खुद का स्टेट का एक्टिव नंबर भी कोई भी चलेगा, कि इस पे अगर आपको कोई पासवर्ड की डिटेल आनी है तो करेक्टली से आ पाए। तो इसके बाद आपके आपको भरना है नेशनैलिटी, जिस भी नेशन से आप हैं, हो सकता है आप इंडिया से बाहर से आ रहे हों तो आपको वही इन्फॉर्मेशन भरनी है जो सही हो। तो एड्रेस में आप कुछ भी जो आपका एड्रेस है लोकली या परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस वो आप भर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने XYZABC भरा सो दैट कि आपको मैं भरना सिखा सकूं कि कैसे भरना है। जिस भी सिटी से आप आ रहे हैं, जैसे कि मैं न्यू दिल्ली से हूं तो मैं न्यू दिल्ली भरूंगा, और जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं जैसे कि न्यू दिल्ली के साथ मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली भर दूंगा। तो उसके बाद फिर कंट्री दोबारा पूछा जा रहा है तो दोबारा भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद पिन कोड, जो भी पिन कोड आपके एरिया को हो याद रखिए वो करेक्टली से आपको फिल करना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर यहाँ दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है जो कि ये एक कैप्चा इमेज दी हुई है, इससे आप ज़रूर फिल कीजिए तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे रजिस्टर के लिए। जो भी यहाँ पे अक्षर आ रहा है आप सेम टू सेम नीचे वाले बॉक्स में फिल कर दीजिए, फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं, आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा,
जो भी आपने ईमेल आईडी फिल की होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि करेक्ट ईमेल आईडी ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि उसी पे आपकी करेक्ट डिटेल आ रही है। अब ये मुझे फिर से लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है, और मैं लॉगिन अब उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से करूँगा जो मेरी ईमेल आईडी पे इस वक्त आई हैं। तो मैंने देखा, चेक किया, तो यूज़र आईडी तो मेरा बिल्कुल सेम जो मैंने फिल किया था, RN अरोड़ा ब्लॉगर, यही रहेगा। और जो पासवर्ड है मेरा, वो श्राइन बोर्ड की तरफ से जनरेट करके एक नया पासवर्ड वो मुझे देंगे, तो वो पासवर्ड मुझे यहाँ फिल करना है और मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो विंडो खुलेगी, देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने जैसे ही ओपन होगा आप देख पाएंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से सारी सर्विसेज, ऑनलाइन बुक कैसे करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यात्रा पर्ची, अटका आरती दर्शन, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, और ये सारी एक इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आ गई कि कैसे आपको ओरिजिनल कार्ड, डेबिट या क्रेडिट, जिससे भी आप बुकिंग करेंगे वो आपको ज़रूर साथ में कैरी करके चलना है आधार कार्ड के साथ साथ। तो इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, और कैसे आपको, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यात्रा पर्ची बुकिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों, यात्रा पर्ची का जो ये आइकन आ रहा है, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा टेबल खुल जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ डिवोटीज आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों की बुकिंग कर सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा करना है, जैसे कि मैंने बताया था, तो एक नया आईडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप डेट सिलेक्ट कीजिए जिस भी डेट में आप माता के वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, और जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे 25 अगस्त सिलेक्ट किया, तो मैंने गेट अवेलेबिलिटी के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे पूरी अवेलेबिलिटी दिखा देगा कि इस वक्त 12,000 शरणार्थी करीब आने की अवेलेबिलिटी है। तो उसके जिस भी डेट पे मैं विज़िट करना चाहता हूँ उसके आगे का बुक नाउ का बटन पे मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पे मुझसे वो डिटेल पूछेगा, अपना नाम, फादर का नाम, और उसके बाद मेल और या फीमेल या एज, और उसके बाद आईडी प्रूफ का नंबर, आधार कार्ड जैसे आप लेके जाएंगे तो आधार कार्ड का नंबर, और उसके बाद बस वो जो नीचे एक बटन आ रहा है प्रोसीड टू बुक, उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे यात्रा पर्ची आपकी जनरेट हो गई, और उसका आप प्रिंट आउट डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकालिए, अपने पास रखिए, और उसको आप कैरी करके साथ में जा सकते हैं। तो बहुत ही, जैसा कि दोस्तों आपने देखा कितना आसान प्रोसेस है इस श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में, तो इसका आप ज़रूर लाभ उठाइए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वहाँ पे कटरा में जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा, रश में लगना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम की बुकिंग कैसे की जाए, या डॉर्मेटरी बेड्स, जो भी भवन हैं, भवन के आसपास होटल्स हैं, तो उसकी बुकिंग कैसे की जाए। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में प्राइवेट होटल्स की बुकिंग तो नहीं मिलेगी, जो श्राइन बोर्ड के थ्रू होंगे उन सब की बुकिंग कैसे की जाए। तो सेम वे से मैंने एग्जांपल के तौर पे 25 अगस्त डेट सिलेक्ट कर ली, गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास खुल गई कि किस लोकेशन में है वो होटल, और किस कॉम्प्लेक्स में है, कालका धाम, क्या रूम है, डबल बेड, एसी, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, और कितना क्या चार्जेस रहेगा उसका, और क्या वो अवेलेबल है तो उनके आगे लिखा आएगा बुक नाउ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लिखा आएगा नॉट अवेलेबल। जैसे कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के लिए सिलेक्ट करके बताऊं, तो जितनी जल्दी बुकिंग इसकी करेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेहतर, बट ये चांस की बात है दोस्तों कि कभी कभी आपको थोड़ा सा दूरी की भी अगर टिकट नहीं मिलती तो ये तो माता का बुलावा आने की बात है। जैसे मैंने 25th को किया तो बहुत कम आ रहे थे, तो मैं सोचता हूँ चलो ट्राई करते हैं 31st अगस्त। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने 31st अगस्त के लिए ट्राई किया तो ज़्यादा बुकिंग की अवेलेबिलिटी हो गई। तो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ क्या 25th सितंबर। तो जैसे ही मैंने गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया तो मैं क्या देखता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये तो चांस की बात है
कि आपको कब अवेलेबिलिटी मिल रही है कब नहीं। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, माता का बुलावा जब आता है तो सारे द्वार खुल जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप अलग अलग डेट्स करके ट्राई कर सकते हैं। तो आप, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, आप इस अवेलेबिलिटी के हिसाब से, रूम्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपनी ट्रेन की या जिस भी मीडियम से आप आ रहे हैं, प्लेन से, फ्लाइट से, उसकी बुकिंग आप तब कीजिए, क्योंकि वो तो बुकिंग आसानी से हो सकती है, लेकिन यहाँ रूम्स की बुकिंग के हिसाब से आप अपनी उन बुकिंग को अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप ऑनलाइन आप यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप कैसे रूम बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से किस तरीके से ऑनलाइन बैटरी कार बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगेन, आपको फ्रंट पेज पे जब आप आएंगे, होम पेज पे, फिर आपको ऑनलाइन बैटरी कार पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ आप वही सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं जो कि आपने पहले जनरेट कर लिया, जैसे कि मैंने आर्यन अरोड़ा व्लॉगर, और अपना पासवर्ड जो भी मेरी ईमेल आईडी पे आया था वो मैंने एंटर कर दिया। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है और बहुत ही आसान। और ये एक इन्फॉर्मेशन जैसे कि खुल गई कि क्या आपको वही आधार कार्ड और वही क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेके आना है जिससे भी आप बुकिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आप सीधा आप ऑनलाइन बैटरी कार बुकिंग में जाइए और इसके बाद आप डेट सेलेक्ट कीजिए किस भी डेट में आप आ रहे हैं। प्लस आपको अर्धकुंवारी से लेके भवन तक के लिए चाहिए या भवन से लेके अर्धकुंवारी तक चाहिए, क्योंकि कटरा से अर्धकुंवारी का आपको बैटरी कार नहीं मिलती। इसके लिए आपको, अगर आप पैदल आना चाहें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप टांगा ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं, पिट्ठू ले सकते हैं, बट आपको जो भी बैटरी कार मिलती है वो अर्धकुंवारी से भवन या भवन से अर्धकुंवारी मिलती है। अब डेट सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ पैसेंजर सेलेक्ट कीजिए, गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक कीजिए। गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि किस किस टाइमिंग पे आपको यहाँ पे बैटरी कार अवेलेबल है और क्या क्या उसके चार्जेस हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है 25% की और कितनी अवेलेबल है अभी भी। जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं, सुबह 8 बजे बैटरी कार की स्टार्ट हो जाती है और रात को 10:02 तक चलती है लास्ट बैटरी कार। तो अब जो स्टार्टिंग में 25 तारीख मैंने सेलेक्ट की, 25 अगस्त, उसमें 8 बजे की जैसे नॉट अवेलेबल है, लेकिन रात को 10 बजे की अभी भी अवेलेबल है। तो आप वो सीधा बुक नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके सामने चार्जेस आपके आ गए, GST मिला के इसके चार्जेस हैं ₹354 पर पर्सन वन राइड के। जैसे मैंने अर्धकुंवारी से भवन तक का सिलेक्ट किया एक रूट का, तो यहाँ पे भी आप पैसेंजर का नाम भरिए, आईडी प्रूफ भरिए, कॉन्टैक्ट नंबर भरिए और प्रोसीड टू बुक करिए। इसका भी प्रिंट आउट निकालिए और अपने साथ रखिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सबको देना चाहता था। होप आप सबको ये हेल्पफुल लगी हो, सही लगा हो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए, आगे हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।